वी आर डिस्कसिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच. आई टोल्ड यू दैट देर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच. ओके, वी आर लर्निंग फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन. ओके, एंड इन नाउन वी हैव ऑलरेडी लर्नड प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन. इन दिस वीडियो वी शैल ट्राई टू फिनिश द चैप्टर ऑफ नाउन. वी विल डिस्कस कोलेक्टिव नाउन एंड मटीरियल नाउन. तो इस वीडियो में हम कोलेक्टिव नाउन और मटीरियल नाउन के बारे में जानेंगे. तो कोलेक्टिव नाउन के अंदर एक टेबल है जो मैंने तैयार की है. दिस टेबल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो मैंने ये वीडियो है वो कॉम्पिटिशन के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए बनाई है. क्या है कि कोलेक्टिव नाउन डेफिनेशन बता रहा हूँ. ए कोलेक्टिव नाउन इज़ ए नेम गिवन टू ए ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स और पर्सन्स. कोलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं और ये वो नाउन होती है जो एक प्रकार की चीज़ों या एक प्रकार के लोगों के समूह को दिया जाता है. ये नाम एक प्रकार की चीज़ों और एक प्रकार के लोगों को दिया जाता है. एग्जाम्पल के तौर पर क्लास. क्लास के अंदर है वो स्टूडेंट्स होते हैं जो एक ही ग्रेड में पढ़ रहे होते हैं. पीपल. पीपल के अंदर डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं, डिफरेंट एज ग्रुप के पर्सन होते हैं. आर्मी. आर्मी है वो सोल्जर्स होते हैं उसके अंदर. ओके, आर्मी है उसके अंदर सोल्जर्स होते हैं. हर्ड. हर्ड है उसके अंदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं. ऐसे ही क्राउड. क्राउड के अंदर अलग अलग लोग होते हैं, पीपल होते हैं, उनको हम क्राउड बोलते हैं. तो क्या है कि हमारी जो टेबल है, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट रीडिंग इन ए सिमिलर ग्रेड इज कॉल्ड क्लास. ठीक है, एक ही कक्षा के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनको हम क्लास बोलते हैं. ए ग्रुप ऑफ प्लेयर प्लेइंग ए पर्टिकुलर गेम इज कॉल्ड टीम. खिलाड़ी जो एक ही गेम खेल रहे होते हैं उनको टीम बोलते हैं. ए लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स, बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर जो लोग होते हैं उसको क्राउड बोलते हैं. ए ग्रुप ऑफ एनिमल और शीप रनिंग हेयर एंड देयर इन ए फॉरेस्ट इज कॉल्ड हर्ड. पशुओं का जो समूह होता है या भेड़ों का जो झुंड होता है जो कि जंगल में घूम रहा होता है उसको हर्ड बोलते हैं. हर्ड है वो क्या है, कोलेक्टिव नाउन है. क्राउड भीड़ को बोलते हैं, टीम है और क्लास है, कक्षा. ये सब कोलेक्टिव नाउन्स के एग्जांपल हैं. ऐसे ही ए ग्रुप ऑफ सोल्जर और आर्ट्स इज कॉल्ड आर्मी. सैनिकों का या चींटियों का जो समूह होता है उसको आर्मी बोलते हैं. ए ग्रुप ऑफ लॉयन इज कॉल्ड प्राइड. शेरों का जो झुंड होता है उसको प्राइड बोलते हैं. ए ग्रुप ऑफ फिश इज नोन एज स्कूल. मछलियों का झुंड होता है उसको, समूह होता है उसको स्कूल बोलते हैं. ए ग्रुप ऑफ बर्ड और डियर फ्लाइंग और रनिंग टुगेदर. पक्षियों का या जो हिरनों का समूह होता है जो इधर उधर उड़ रहा या भाग रहा होता है उसको फ्लॉक बोलते हैं. ये सब वर्ड्स हैं, ये आपको कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है. जो शुरू के वर्ड्स, शुरू के कलेक्टिव नाउन्स की बात है वो 6, 7, 8, 9, 10 के स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए. बाकी वर्ड्स हैं आगे मुश्किल आएंगे, वो कंपटीशन के एग्ज़ाम में आपको काम देंगे. और ये केवल यही कलेक्टिव नाउन्स नहीं है, इसके अलावा भी आपको कॉम्पिटिशन के जो और वर्ड्स होते हैं वो भी आपको ध्यान में रखने चाहिए. 9 पर हैं, ए ग्रुप ऑफ बीज, जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनके समूह को हाइव बोलते हैं. ए ग्रुप ऑफ पप्पीज इज कॉल्ड लिटर. ओके, छोटे जो कुत्ते के बच्चे होते हैं उनको लिटर बोला जाता है, उनके समूह को लिटर बोलते हैं. ए ग्रुप ऑफ हाउंड्स, जंगली कुत्ते या फिर जो भेड़िए होते हैं वुल्व्स या कार्ड्स, उसको पैक बोलते हैं. ए ग्रुप ऑफ सिंगर इज कॉल्ड क्योर, जो गीतकार होते हैं
जो गाने वाले सिंगर होते हैं उनके समूह को क्योर बोलते हैं, CHOIR, क्योर। ए ग्रुप ऑफ थीव्स इज नोन एज गैंग या पैक। जो चोरों का समूह होता है उसको गैंग बोलते हैं, ये वर्ड आपने सुना होगा, पैक भी बोलते हैं। ए ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट इज कॉल्ड पैनल। ठीक है, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो किसी विषय के विख्याता होते हैं, ज्ञाता होते हैं, उनको पैनल बोलते हैं। ए ग्रुप ऑफ डांसर्स इज कॉल्ड ट्रूप। ओके, जो डांस करने वाले लोग होते हैं उनको ट्रूप बोलते हैं। ए नंबर ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड बुके और बंच। ओके, बुके की स्पेलिंग बहुत बार पूछी जाती है, या बंच भी बोलते हैं, BONQUET, बुके बोलते हैं वर्ड, इसकी प्रोनाउंसिएशन बुके होती है या बंच होती है। ऐसे ही आपने बताना है कि गैलेक्सी के लिए क्या वर्ड होगा। ऐसे ही ए नंबर ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, ओके, इसको क्या बोलते हैं ये आपने लिखना है। ए नंबर ऑफ स्पेक्टेटर वॉचिंग एन इवेंट इन ए स्टेडियम इज कॉल्ड। जो स्पेक्टेटर्स कोई भी स्टेडियम में गेम देख रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो ये आपने करना है। उसके बाद में जो स्पेस दिया हुआ है नीचे, इसके अंदर आपने और अपनी बुक से जो वर्ड्स आप पढ़ते हैं उनको और लिखना है, और ये अपना चैप्टर है वो अच्छी तरह से आपने करना है। अब क्या है कि हम नेक्स्ट नाउन के बारे में, जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात याद रखनी है 5th नाउन के बारे में, वो है मटेरियल नाउन। ओके, मटेरियल नाउन की डेफिनेशन है, मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ ए मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड एंड विच कैन बी सीन, ओके, विच कैन बी हर्ड, ओके, स्मेल और टेस्ट और टच। तो वो सब्सटेंस या वो मटेरियल जिनसे अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनती हैं उनको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं, हिंदी में इसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे फ्लोर आटा होता है, शी इज़ नेडिंग फ्लोर, आटा होता है, तो फ्लोर यहाँ पर मटेरियल नाउन है। आयरन इज़ ए मेटल, हार्ड मेटल, तो आयरन लोहा होता है, ये सब मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल हैं। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ओके, गोल्ड सोना होता है, ये भी मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, वुड यहाँ पर लकड़ी है, तो लकड़ी है वो मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है। चेयर यहाँ पर कॉमन नाउन है, रिंग यहाँ पर कॉमन नाउन है, और मेटल यहाँ पर एक प्रकार से कॉमन नाउन है। ओके, अब नेक्स्ट फैक्ट की हम बात करेंगे। हमने 5 टाइप्स की जो नाउन है वो डिस्कस कर ली हैं डिटेल के अंदर, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कोलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप ध्यान से देख लीजिए। अब कुछ इनको अलग से भी आपको फैक्ट्स हैं वो नाउन्स के बारे में याद रखना चाहिए। कंक्रीट नाउन्स कौन से होते हैं? कंक्रीट नाउन्स आर दी वर्ड्स यूज फॉर एक्चुअल थिंग्स यू कैन टच, हियर, टेस्ट, फील और सी। ओके, वो चीज़ें, वो नाउन्स जिनके बारे में, जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप छू सकते हैं, जिनके बारे में आप फील कर सकते हैं या जिनकी आवाज़ को आप सुन सकते हैं, उनको हम कंक्रीट नाउन्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर चेयर, ओके, टेबल, पेन, पेंसिल, ये सब कंक्रीट नाउन होंगे। गोल्ड, सिल्वर, ओके, ये सब कंक्रीट नाउन होंगे। अब नेक्स्ट फैक्ट आ रहा है कि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स, इट इज़ यूज फॉर दोज नाउन्स और दोज थिंग्स विच वी कैन काउंट यूजिंग नंबर, जिनको हम गिन सकते हैं, नंबर 1, 2, जो 1, 2, 3, 4 हो सकते हैं उसको हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं। दे हैव ए सिंगुलर एंड ए प्लूरल फॉर्म, और काउंटेबल नाउन की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होती है। ठीक है, इसके लिए हम डिटर्मिनर्स यूज़ करते हैं, ए या एन। तो जैसे बॉय है वो काउंटेबल नाउन है, गर्ल भी काउंटेबल नाउन है, चेयर है वो काउंटेबल नाउन है, और चेयर्स भी काउंटेबल नाउन होगा, और वो सिंगुलर होगा और वो प्लूरल होगा। अब हम नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन कौन से नाउन होंगे? अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज फॉर दोज थिंग्स विच वी
कैन नॉट काउंट विद नंबर, जिनको हम नंबर की सहायता से काउंट नहीं कर सकते हैं, दे मे बी नेम्स फॉर अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और क्वालिटीज, जो कि अब्स्ट्रैक्ट भावाचक संज्ञाएं होंगी, और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स दैट आर टू स्मॉल और टू एम्फोरस टू बी काउंटेड, जैसे लिक्विड्स हैं, पाउडर है, गैस है, ओके, पेट्रोल है, ओके, फ्लोर आया वर्ड था, ठीक है, फ्लोर है, ये सब हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स के एग्जांपल हैं। अब क्या है कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक और फैक्ट बताना चाहता हूँ कि काउंटेबल नाउन्स में भी काउंटेबल और कॉमन नाउन्स में भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर जनरली अनकाउंटेबल। जो कॉमन नाउन होते हैं वो काउंटेबल या अनकाउंटेबल होते हैं, और जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो हमेशा ही अनकाउंटेबल होते हैं। तो अब क्या है कि आपने एक एक्सरसाइज करनी है, लुक एट दी हाईलाइटेड वर्ड, ओके, या सर्कल्ड वर्ड और अंडरलाइन वर्ड, और आपने टाइप ऑफ नाउन बताना है। शीला एंड हर मदर विजिटेड हर एंट यस्टरडे, तो शीला और उसकी मदर ने कल अपनी चाची के घर वो गई, तो यहाँ पर शीला वर्ड है वो ब्लू है, तो शीला है वो कौन सा नाउन है, तो ये प्रॉपर नाउन है, और जो एंट है, आंट है, सॉरी आंट है, ये कॉमन नाउन है। ऐसे ही ए मर्डर ऑफ क्रोज वॉज फ्लाइंग इन द स्काई, यहाँ पर मर्डर वर्ड है, ये कलेक्टिव नाउन है, ओके, क्रोज के लिए मर्डर आता है, और स्काई है, ये कॉमन नाउन है। आगे एक द किटन वॉज प्लेइंग विद ए बॉल एंड वूल, यहाँ पर किटन है वो कॉमन नाउन होगा और वूल है वो मटेरियल नाउन होगा। बाकी एग्जांपल आपने खुद सॉल्व करके देखने हैं। तो स्टूडेंट दिस इज टू मच फॉर नाउन्स, ओके, ये सब कुछ नाउन के बारे में चैप्टर है वो क्लोज होता है आपका। आई डू होप दैट नाउ यू शुड यू विल नॉट हैव एनी डाउट इन नाउन्स। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ नाइस डे।